हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बिहार विधानसभा से बहुत सारे वैकेंसी आई हुई हैं, जिसको कि मैंने अपने वेबसाइट पर बताया था। इसमें आप देखे होंगे बहुत सारे वैकेंसी आई हुई हैं। इसमें दो पोस्ट हैं अलग अलग, एक एडमिन वन है, एक टू है, आप देख सकते हैं यहाँ से भी। और ऑनलाइन जो आवेदन मैं बताया था कि जैसे आएगा मैं उससे वीडियो बना के लाऊंगा, मैं वीडियो बना रहा हूँ उस पर। देखिए यहाँ पर मैंने ऑनलाइन जो आवेदन का लिंक है मैं दे दिया हूँ दोनों के लिए, एडमिट वन 18 के लिए और 2 18 के लिए, दोनों के लिए आप जो चाहें भर सकते हैं। यहाँ से आप पूरा डिटेल्स देख सकते हैं और डायरेक्ट आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए इसकी वेबसाइट है, आप डायरेक्ट हमारे वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट लिंक पा सकते हैं ऑनलाइन का। चलिए देखिए यहाँ पर, देखिए 1 18 का जो है इतने पोस्ट हैं और 2 18 के लिए आपका जूनियर क्लर्क है। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को दबा दीजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। चलिए देखिए यहाँ पर लिंक है, यहाँ पर क्लिक करते हैं और उसके बाद इस तरह का पेज खुलेगा जो भरना है आपको, है ना। यहाँ पर देखिए आपको ये दिखा रहा है एवरेज नंबर 1 18 है, 2 18 जो भी है आप उसे भर सकते हैं। अगर आपने पहले नए हैं तो आपको यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्टर नाउ करना होगा, और अब ये कर लिए हैं तो आपको यहाँ पर लॉग इन ऑलरेडी रजिस्टर्ड ये करके आपको एक मिलेगा एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। चलिए हम अभी फ्रेश करते हैं बिल्कुल। यहाँ पर हमको क्लिक करना है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर पे और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन होगा, यहाँ दिखा रहा है आपका क्वालिफिकेशन क्या है आपका, आपको भरना है। वहाँ पर जितने पोस्ट हैं वो पोस्ट के हिसाब से जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं भरता हूँ पहला पोस्ट असिस्टेंट के लिए, जो कि सिंपल ग्रेजुएट है। यह दिखा रहा है यू कैन अप्लाई फॉर वन और मोर देन वन पोस्ट बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन, प्लीज टिक इन बॉक्स बिफोर पोस्ट नेम टू अप्लाई। आप एक से ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मेरा जो ये पोस्ट है ग्रेजुएशन के लिए, मैं ये 2 डिग्री के लिए भर सकता हूँ, मैं इसको टिक कर देता हूँ। चलिए मैं दोनों के लिए भर रहा हूँ, क्योंकि दोनों जो है सिंपल ग्रेजुएट मांगा है, इसलिए मेरा दोनों ऑप्शन आ गया। देखिए दिखा रहा है डू यू प्रोसेस या लाइकली टू प्रोसेस ऑन और बिफोर एडमिशन डेट और एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो आप कर रहे हैं क्या आप पहले से अप्लाई किए हैं इसके लिए, नहीं किए हैं। चलिए मेरा क्वालिफिकेशन पूरा कंप्लीट है, यस। आर यू सिटीजन इंडियन, यस। आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, बिहार का है निवासी, है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। कैटेगरी आपको क्या है, अनरिजर्व है, ईबीसी है, जो भी है आपको दे देना है। डू यू वांट टू क्लेम रिजर्वेशन अंडर फ्रीडम फाइटर, यस नो जो भी है दे देना है आपको। पीएच, यस नो जो भी है आपका दे देना है। वेदर प्रेजेंटली एन एम्प्लॉय इन रेगुलर सर्विस ऑफ गवर्नमेंट सर्विस विथ ए लिस्ट 3 ईयर्स ऑफ कॉम्बाइंड रेगुलर और सर्विस, क्या आप पहले से काम कर रहे हैं, है ठीक है, नहीं कर रहे तो नो करना है। आर यू एक्स सर्विस मैन, यस नो जो भी है कर देना है आपको। फर्स्ट नेम जो भी है आपका फर्स्ट नेम यहाँ पर डालना है। मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मांग रहा है डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका है डेट ऑफ बर्थ उसको आप डाल दीजिए अपने हिसाब से, और यहाँ पर जेंडर जो है आपका है वो डाल लीजिए, और ईमेल एड्रेस यहाँ पर कन्फर्म ईमेल एड्रेस। चलिए इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। फ़ोन नंबर यहाँ पर दिखा रहा है, ये जितने भी देख रहे हैं आप रेड स्टार मार्क, ये सबको भरना कंपलसरी है, नहीं तो आपको ये सेव नहीं लेगा। चलिए यहाँ पर हम भर दिए, और यहाँ पर आपको जो है कैप्चा कोड वो डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर सबमिट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। देखिए मेरा एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो है मेरा वो आ चुका है,
सारा डिटेल, लॉगिन टू कंटिन्यू, यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। आप यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं, या फिर आपको जो यहाँ से जो अप्लाई किए थे यहाँ से आके डायरेक्ट यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन नंबर है यहाँ डालिए, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डालिए और सीधा लॉगिन कीजिए। चलिए यहाँ पर जो कैप्चा कोड मांग रहा है वो डालना है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। देखिए मेरा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है मेरा जो है नाम रमेश कुमार, एप्लीकेशन नंबर सब आ चुका है। और उसके बाद यहाँ देखिए मेरा ये ग्रीन हो चुका है, यानी मेरा ये कंप्लीट होने वाला है। जो जो मेरा यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो मेरा, बस थर्ड में आपको अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर है, और फोर्थ में आप प्रीव्यू देख सकते हैं, और लास्ट में आप 5 नंबर पेमेंट कर सकते हैं। इसी से आपका धीरे धीरे पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा। देखिए मेरा जो जो मैंने भरा था वो सब कुछ आ चुका है मेरा, और जो नहीं है उसे मुझे भरना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे इतना भरा हुआ है, अब यहाँ मांग रहा है फादर नेम, जो आपका है भर देना है। मदर नेम यहाँ पर देखिए यहाँ दिखा रहा है स्टार मार्क, यानी ये आपका जरूरी है। चलिए भर दिए, आपको मेरे से किया है जो है उसे आप भर दीजिए। आधार नंबर यहाँ पर देखिए रेड जो स्टार मार्क में बताया था वो कंपलसरी है, यहाँ पर नहीं है तो इसको आप चाहे तो भर सकते हैं चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। चलिए मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। एड्रेस, जो भी आपका स्टेट है उसे आपको भर लेना है। सिटी, जो भी आपका है। चलिए जो भी हमारा पिन कोड है उसे हम भर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर बता रहा है कि परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर टिक कर देना, ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। ये मेरा ऑटोमेटिक आ जाएगा टिक करने के बाद। चलिए आ गया, और यहाँ मांग रहा है एजुकेशन डिटेल्स, आप ये बोर्ड कहाँ से पास किए हैं उसको आपको भर देना है। ईयर ऑफ पासिंग, आपने ग्रेजुएट जो पास किया है वो कब किया है। मैक्सिमम मार्क्स आपका जो है वो कितना था, जो टोटल मार्क्स है आपका जो भी था आपको भर लीजिएगा। ऑप्टेंड मार्क्स, और उसमें से कितना मार्क्स लाए हैं। उसके बाद परसेंटेज जो है ऑटोमेटिक वो ले लेगा अपने आप। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये जो है फर्स्ट स्टेप आपका पूरा हो गया। देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आप क्या मार रहा है 3 नंबर में, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ये ऑटोमेटिक आपका नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि जो आपको फोटो डालना है कैसे डालना है। फोटो साइज शुड बी इक्वल टू और लेस देन 500 KB, या विथ 200 DPI के नीचे होना चाहिए। आपको जो यहाँ सेंटीमीटर दिया गया है कैसे कैसे होना चाहिए, और जो सिग्नेचर वो भी कैसे होना चाहिए। प्लीज़ अपलोड करेक्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल बी कैंसिल्ड। अगर आप सही नहीं डालते हैं तो उसे आपको कैंसिल कर देगा, इसीलिए इसको आप सही से डालिए। यहाँ देखिए दिखा रहा है, अगर आपको रिसाइज करना है तो यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है, यहाँ से आप फोटो या अपना सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए दिखा रहा है मेरा पहला है फोटोग्राफ, चलिए हम अपलोड करते हैं फोटोग्राफ को। चलिए यहाँ से करते हैं अपलोड। मेरा फोटो आ चुका है, अब सिग्नेचर करते हैं और यहाँ से अपलोड। इस तरह से आप आसानी से कर लीजिएगा अपना फोटो और सिग्नेचर का अपलोड।
देखिए मेरा हो चुका है और यहाँ से हम करना है सेव एंड कंटिन्यू, क्लिक किए और मेरा जो सेकंड स्टेप है वो भी पूरा हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर प्रीव्यू डिटेल्स मेरा दिखा रहा है, मेरा एप्लीकेशन नंबर जो जिस पोस्ट के लिए मैंने भरा था, मेरा कैटेगरी है, नाम वगैरह सब कुछ देखिए यहाँ से आप चेक कर लीजिए। देखिए दिखा रहा है मेरा फोटोग्राफ अपलोडेड, सिग्नेचर अपलोडेड, सब कुछ मेरा दिखा रहा है। अब यहाँ पर करना है टिक करना है और यहाँ पर कंटिन्यू टू पेमेंट, आप मेरा सब पूरा हो चुका है, अब मुझे पेमेंट करना है। अगर चाहते हैं तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, कोई गलती हो तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। चलिए आप यहाँ पर करते हैं कंटिन्यू टू पेमेंट। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखा रहा है एप्लीकेशन फ़ी, जो आपको जो होगा जब जिस तरह से डालेंगे SC ST होंगे तो आपको ऑटोमेटिक वो 100 रुपये लेगा। आप अगर अनरजिस्टर्ड में आते होंगे, BC और BST में आते होंगे तो ऑटोमेटिक वो डिलीट कर लेंगे कि आपको कितना पैसा लगेगा। अब देखिए यहाँ पेमेंट करना है आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से, आपको यहाँ पर टिक करना है और यहाँ पे करना है। देखिए दिखा रहे हैं यहाँ पर मेरा जो जो हो चुका है पूरा, मेरा वहाँ पर ये ग्रीन हो चुका है, पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल्स, अपलोड प्रोग्राफ सिग्नेचर, प्रीव्यू डिटेल्स, लास्ट मेरा 5 नंबर में जो फाइनल है वो पेमेंट है, ये मैंने टिक किया और यहाँ पर पे पे क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज खुलेगा जो पेमेंट का है। उसके बाद आप कहाँ से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, UPI से, जो भी करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद अपना जो डेबिट कार्ड टाइप है उसको आप सेलेक्ट करके आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मान ली मेरा वीज़ा है, उसके बाद आपको जो कार्ड नंबर डालना है, कार्ड पे जो नाम को डालना है, सिम नंबर डालना है, एक्सपायरी डेट डालना है और पे नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको OTP आएगा जो फोन नंबर रजिस्टर्ड है और वो डालने के बाद आपको जो पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपको फाइनल सबमिट हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियो पूरी तरह समझ में आ गया होगा, फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन को दबा दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको इस तरह की कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।